अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना। मैं आपको बताऊँगी आज किस तरीके से जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स में जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैट्रिक्स में जिस तरह से जो है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो मल्टीप्लिकेशन का भी मेथड है। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये है कि हम इसमें जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो बिल्कुल इस तरीके से कि मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है जिसके मैं रोज एंड कॉलम्स में नंबर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, 3, 1, 2, -2, 0 एंड 5। और दूसरा जो है, यानी कि हमारे पास दो सेट्स होंगे जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा सेट जो है वो मल्टीप्लाई मैं करूँगी इससे, जिसके अंदर जो है -1, 0, 2, 3, 5 और 5, ये एक सेट है हमारे पास कंप्लीट, जिसके अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। और एक सेट में जो है वो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। जिस तरह से आप इस मतलब ये कर सकते हैं कि ये ए है और ये बी है, और जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो लाइक हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो किस तरह से सेट्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास सेट ए है, इसके हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास रॉज हैं, एक रॉ जो है ये हमने ले ली है, यानी कि रॉ जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट रॉ में जो हमारे पास नंबर है 3, 1, 2, और जो दूसरे सेट के जो हमारे पास कॉलम है -1, 0 और 2, तो ये रॉ जो है यानी कि 1 रॉ जो है वो मल्टीप्लाई होगी 1 कॉलम से, यानी कि एक सेट की जो रॉ है वो मल्टीप्लाई होगी दूसरे सेट के कॉलम से। इसी तरीके से एक सेट की जो दूसरी रॉ है वो मल्टीप्लाई होगी दूसरे सेट के कॉलम से, बिल्कुल इसी तरीके से। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देती हूँ इसको समझाने का, वो इस तरह से कि अगर जो है यहाँ पे मेरे पास ये ए है, सेट ए है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, यानी कि हमारे पास जो कॉलम है उसके उसके अंदर जो है वो 3 है। तो हम इस तरह से करेंगे कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बाय 3 से, और बी जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 3 बाय 2 से, यानी कि इसकी जो कॉलम रॉ जो है 2, उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि रॉ जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि ये जो है हमारे पास इसके रॉ में जो है हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इसी तरीके से इसके कॉलम में भी हमारे पास 3 नंबर हैं, तो वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 से। आप इस तरह से कर सकते हैं। ये जैसे मैंने एक सी ले लिया है, सी मीन्स यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स का सेट है और उसके अंदर नंबर्स हैं, तो वो एन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है ए से। और इसी तरीके से दूसरा सेट है डी, उसके भी जो है हमारे पास हैं नंबर्स, यानी कि उसके अंदर ए है और एक जो है वो हमारे पास एम है, तो वो जो ए जो रॉ है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और जो कॉलम है वो रॉ से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह से जो है हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।